स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपनी बाइबल को उठा, बोल मैं इस वचन से प्रेम करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। लुका 10 उसकी 30 आयत को मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसे के कपड़े उतार दिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। इस रीति से एक लेवी उस जगह पे आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ मैं आज सुनूं, जो कुछ आज मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी बदले, ये मेरी जिंदगी और 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में। आमीन। आपकी लाइफ इस बात पे निर्भर करती है कि आज जो आपके पास है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आज आपके पास जो है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं, या आपके पास बेबी नहीं, या आपके पास हेल्थ नहीं। अच्छे भले हेल्थी लोग जब अपने हेल्थ की देखभाल नहीं करते तो बीमारी के बिस्तर पर डल जाते हैं। वो बिजनेसमैन जो आज से 5 साल 10 साल पहले इंडिया में कमाल के बिजनेसमैन थे, आज उनके खातों में पैसा नहीं है। आप पढ़ते होंगे न्यूज, गूगल न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज, हाँ, क्योंकि जो कोई चीज आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे आपकी लाइफ को वो छोड़ के चली जाती है। वो पैसा हो, वो सेहत हो, वो ब्लेसिंग हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को बोला था, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये ब्लेसिंग जो आई है तुम्हारी लाइफ से वापिस चली जाए। तो आज अगर आपको अपनी लाइफ हैंडल करनी आ गई विद द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड के बीच से, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी गवाही बहुत श्योर है और आप जल्दी गवाही के साथ वापिस आ रहे। अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा और खतरनाक है तो प्रॉब्लम ये नहीं आपका लेवल क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं आप कहां बैठे हैं या कहां खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है आप उसे हैंडल किस तरह से करते हैं। आमीन। दो तरह की जिंदगी हम जीते हैं, पहली जो आत्मिक है, दूसरी जो दुनियावी और दिमागी, और जिसे हम क्या बोलते हैं पंजाबी में, बोलते हैं ना फुक्की चाड़ के चने दे चाड़ते बिठा देना, एक वो वाली लाइफ जीते हैं। ये यात्री बाइबल कहती है, एक बंदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलम से यरीहो को जा रहा था। यीशु मसीह एक स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, असली कहानी बता रहे हैं। आप जब यरूशलम का मतलब समझते हैं, उस शहर का मतलब समझते हैं, तो आपको शांति समझ आएगी इब्रानी भाषा में। और अगर आप यरीहो का मतलब समझें इब्रानी भाषा में, तो यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसी जगह जो आपने आपके दिमाग ने क्रिएट कर ली पर असल में है नहीं। जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने दिमाग में जगह क्रिएट कर ली थी कि पता नहीं जब मैं अपने बाप से यहां से निकलूंगा, पता नहीं पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी बाहें बिछा के, पता नहीं मैं कितना करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा, और यहां रह के मेरी उन्नति नहीं हो रही। प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, आपके दिमाग में जो शैतान एक प्लेस बना देते हैं पर वो असली नहीं होता और ना ही पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं। जिस तरह हव्वा के दिमाग में शैतान ने बना दिया था कि देख वो फल खाने में कितना मनोहर, कितना मीठा, देखने में कितना मनोहर है, और बाइबल कहती जैसा हवा ने देखा उसे वैसा लगने लगा। ये था प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन यरीहो। और जब भी आप यरूशलम ऊंचे प्लेस से, यरीहो जो नीचे है, आप जाएंगे तो आप रास्ते में लुटेंगे ही लुटेंगे, और शैतान आप पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि यरूशलम ऊंचे है, यरीहो नीचे है।
जब आपकी आत्मिक जिंदगी ऊंचे से निचाई में जाएगी। नीचे तब आती है आपकी आत्मिक जिंदगी जब आप दुनियावी किसी भूल में जी रहे हो, कि प्रभु ने आपको एक आत्मिक जिंदगी दी है और प्रभु ने आपके दिमाग में डाला है, दिल में डाला है कि नहीं, तूने ये जगह छोड़ के नहीं जाना है, जलंधर छोड़ के नहीं जाना। या अगर आप बॉम्बे सुन रहे हैं, वहां किसी जीवित चर्च जाते हैं कि अभी 2-3 साल 5 साल 10-20 साल या नहीं जाना है, लेकिन आपको एक प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन दिखा रहा है शैतान, एक ऐसा स्थान दिखा रहा है जहां आपको लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे संगति से दूर होना पड़ेगा, हाँ मुझे कभी कभी शराब पीनी पड़ेगी, हाँ मुझे अपनी कंपनी में बिजी होना पड़ेगा। और वहां शैतान आपकी लाइफ पे अटैक करते हैं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी ऊंचाई से निचाई में जाएगी तो डाकू आपको घेरेंगे, शैतान आपको घेरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ जब उसने परमेश्वर को तुच्छ समझा, इविल से, दुष्ट से जन्म हुआ उसका। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करते हो? आज आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुश्किल नहीं है, या कितनी ब्लेसिंग है ये बड़ी बात नहीं है, पर आप उसे हैंडल किस तरह से करते हो ये बड़ी बात है। ये फ्यूचर आपका बनाएगा ये चीज। यरूशलम से यरीहो क्यों जा रहा है तू? यरूशलम ऊंचा स्थान है, यरीहो नीचा स्थान है, तू ऊंचे स्थान से निचले स्थान में क्यों जाएगा? और फिर अटैक होगा। याद करो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी थी, 2 घंटे 3 घंटे, आज उससे ज्यादा या कम है? पवित्रता कितनी थी, आज उससे ज्यादा या कम है? आपकी डेडिकेशन क्या थी? अगर आपको सेवा मिली, वॉलंटियर की ड्यूटी मिली, कोई प्रभु ने काम दिया, कोई आत्मा ने काम दिया, बोने का काम दिया, कुछ काम करने का, सुसमाचार का काम दिया, आपकी डेडिकेशन क्या है? क्या उस पहले से बड़ी है या कम हुई? जब आप अपनी लाइफ में कम की तरफ निकलते हैं तो तब आप ओपन हो जाते हैं शैतान के लिए कि वो आप पे अटैक करे। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्मा ने बोला, हम सेना है, हमें तू अथाह गड्ढे में मत भेज, हमें सूरों में भेज। यीशु मसीह ने कहा जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो 6,000 थी और यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शैतान के साथ। सूअर चराना बाइबल के अनुसार गुनाह था और वहां गुनाह हो रहा था, यीशु मसीह को ने शैतान को रोका नहीं, क्योंकि जहां वचन टूटेगा वहां सांप क्या? हाँ, जहां बाड़ा टूटा वहां सांप क्या? जहां वचन टूटा तो परमेश्वर ने कहा जा, तुझे जाने की आजादी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो वहां वो शैतान गया और सूरों के झुंड में बैठा बैठा और लिखा वो समुद्र, वो झील के झपट के कराड़े पर से मर गए सब। हालेलुया। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ नीचे जा रही है आत्मिक रीति के साथ या ऊपर जा रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम नहीं, आप ब्लेस हैं, ये बड़ी बात नहीं, उसे मेंटेन करना बड़ी बात है। हालेलुया। उस सिचुएशन से बाहर आना बड़ी बात है। मेरा परमेश्वर आपको ग्रेस दे आज। आमें। और आमीन, जितना लंबा रोंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी रोंची। तैयार रहो, आपके बीच से परमेश्वर लोग उठाने जा रहे हैं आत्मिक रीति के साथ। आमें। आपके बीच से वो फाइनेंशियल रीति के साथ लोगों को उठाने जा रहा है, मैं जानता हूं। और आज आप ग्रेस हासिल करके जाएंगे, ऐसी ग्रेस होगी आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनेंगे और चुप रहेंगे। जो ग्रेस आज आप अटेंड करके जा रहे हो ये आपको हील करेगी और डिलीवर करेगी, और आप एक गवाही के साथ वापिस आ रहे हो अपनी हीलिंग की, डिलीवरेंस की चर्च। एक प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन है आपके दिमाग में जो परमेश्वर की ओर से तो नहीं, लेकिन शैतान एक धुंधली एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं जो देखने में अच्छी लग सकती है, आत्मिक भी लग सकती, लेकिन वो है परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब आप उस यरीहो को ढूंढते यरूशलम से निकल पड़ते हैं तो रास्ते में अटैक तैयार है। इसलिए आपने कुछ लोगों को गिरते हुए देखा होगा, मैरिज के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ देखा होगा। प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, दिमाग में एक फोटो बना ली, दैट्स इट, और उस फोटो के पीछे चले गए, और बाद में क्या हुआ आपको सबको मालूम है, घर टूटे, जिंदगियां बर्बाद, बिजनेस पे असर, हर जगह वो शैतान काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेस उस दिमाग के स्थान से जो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, आप एक असली स्थान को नहीं छोड़ सकते जो आत्मिक स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि प्राइस भारी है छोड़ने का। हालेलुया। आप एक जर्नी पे हो, हाँ, आप एक आत्मिक
जर्नी, एक यात्रा पे हो आप, पर ये यात्रा बड़ी अजीब है। इसमें सीधी रोड का कोई नहीं है, या तो इसमें ऊंची रोड है या नीची रोड है, इसमें न्यूट्रल कुछ नहीं है। या तो आप शैतान की ओर हो या परमेश्वर की ओर हो, एक हाथ शैतान और एक हाथ परमेश्वर, ऐसा नहीं है। या तो आप संसार के हो तो या तो परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो, या प्रेयर में हो या नहीं हो, या पाप में हो या नहीं हो, बीच का कोई स्थान नहीं है। या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो नीचे आ रहे हो, एक स्थान पे आप खड़े नहीं रह सकते। आत्मिक जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं है जो एक ही, जिस तरह ये प्लेन और सिंपल सी है, ऐसी आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं। या तो ऊपर की सड़क है या तो नीचे की सड़क है। और यही आत्मा कहते हैं, आपको हर वक्त आत्मा में जीना है ताकि आप ऊपर की सड़क में जी सकें और चल सकें। और जब आप नीचे आते हैं, आपको मालूम है नीचे आने का मतलब क्या है? जब यरूशलम से यरीहो आए तो क्या हुआ? लिखा उस पे अटैक हुआ, डाकू उसे अधमरा छोड़ के चले गए। आज लोगों की जिंदगियां एक्सीडेंट बन चुकी, इंसिडेंट बन चुकी, हादसों की लाइफ हो चुकी। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि ऐसा हुआ क्यों। बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती, कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का मार्ग, उस मार्ग को नहीं जानता, उस स्थान को नहीं जानता। ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है जो अब आप परमेश्वर में छुप जाते हैं और परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हैं, और आप ऊपर की ढलान में जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुपा के रखते हैं और गिद्ध यानी शैतान की दृष्टि आप पे पड़ने नहीं देता। वो तभी आप पे अटैक कर सकता है जब आप नीचे की ढलान में हो, जब आप नीचे को जा रहे हो, और नीचे जाना आपकी अपनी मर्जी है, ये शैतान की मर्जी नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं रोज अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं। क्या मुक्के थोड़ी मारता अपने आप को? क्या है मारने कूटने का मतलब? अब पता है 9 बज चुके हैं, प्रेयर का टाइम है, अब 9 से 2 प्रार्थना में बैठने हैं, अब आपके टीवी के सामने आपका बेस्ट फेवरेट सीरियल लगा हुआ है, अगर आप देखने बैठ गए 2 घंटे, आप गए प्रे फिनिश खत्म, वो टाइम वापिस नहीं आएगा आपका। आपको मालूम है आपने फास्टिंग की है और घर में आपकी, आपको मालूम नहीं आपकी बेस्ट चीज डिश बन गई आज, या आज अचानक से पेट दर्द कर रहा है, कभी लाइफ में नहीं किया, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर आप ऊपर के स्थान में गए तो आपके लिए उत्तम वस्तुएं रखी जो आप नहीं जानते, ना परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की ढलान में चलेंगे, बाइबल कहती है उसका मार्ग संकरा तो है, तंग तो है, मुश्किल तो है, पर उसके मार्ग में उत्तम वस्तुएं पाई जाती हैं, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो आप किसी मार्ग से नहीं ले सकते हो। अगर परमेश्वर आपको आपका लाइफ पार्टनर देगा तो आप लाइफ टाइम स्वर्ग में रहोगे। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर की चीजें आपको मिलती हैं, वो तब आपकी लाइफ में इनकाउंटर से आते हैं जब आपकी लाइफ ऊपर की तरफ जा रही हो। मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैरिज कब हुई आपकी लाइफ में? कब हुई? जब आप ऊपर की ओर जा रहे थे या आप नीचे की ओर आ रहे थे? बिजनेस कब शुरू हुआ? जब आप ऊपर की ढलान में चल रहे थे या नीचाई की ओर आ रहे थे? प्रॉब्लम बिजनेस नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम जा कहां रहे हैं, ऊपर को या नीचे की ओर। हालेलुया। आप एक यात्रा पे हैं, आप मुसाफिर हैं, आप सुना होगा आपने, हाँ या ना? इस यात्रा में आपको आत्मिक रीति के साथ चलना है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो इसमें लिखा कि एक वहां पे कौन आया? एक याजक आया, कतरा के चला गया। एक लेवी आया, कतरा के चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। लिखा एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला। अगर आप यात्रा पे हैं, हमेशा ड्रीमर को अटैक करने वाला एक नॉन ड्रीमर निकलेगा। अगर आप यूसुफ की तरह ड्रीमर हैं और ड्रीम देखने वाले लोग हैं, दर्शन रखने वाले लोग हैं, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर होंगे जो दर्शन नहीं देखते। आप कई बार जिंदगी में कंप्लेंट करोगे, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? अरे वो तो धर्मी इंसान है, वो तो फलाना इंसान है, वो तो पास्टर, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? बाइबल कहती है आपकी हेल्प वही कर सकते हैं जो आपकी तरह एक यात्रा के ऊपर है। जिसपे अटैक हुआ वो यात्रा पे था, जिसने हेल्प की वो एक यात्रा पे था।
कुछ लोग यात्रा पे नहीं है, उनका काम सिर्फ इंटरनेट पे जाके बुराई करना है, क्योंकि वो किसी यात्रा पे नहीं, वो हेल्प नहीं कर सकते किसी यात्रा पे नहीं। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मेरा कोई विजन है और एक बंदा मेरे सामने आके बोले मेरी हेल्प करो, तो मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं, मेरा एक दर्शन है, मेरा एक विजन है, मैं जानता हूं जो कुछ मैं बोऊंगा वो कुछ मैं काटूंगा। पर अगर मैं यात्रा पे नहीं हूं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इधर देखूंगा कतरा के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूं। तो आप जब किसी से हेल्प ना पाए तो आपको निराश नहीं होना, आपको यह समझना है कि यह व्यक्ति किसी यात्रा पे नहीं है, इसका कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपकी हेल्प करने वाले लोग वही हो सकते हैं जो आप ही की तरह दर्शन वाले और यात्रा पे चलने वाले, जिनका कोई विजन हो, जो किसी काम पे जा रहे हो। मैंने ऐसे लोगों के कर्जे उतारे हैं जो लोग मेरी खिलाफत करते हैं और होली स्पिरिट वाला इनको 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 देने हैं पैसे, और मेरे को मालूम है ये लोग मेरी खिलाफत करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप किसी यात्रा पे हैं, आप वैसे नहीं चल सकते जैसे आम लोग चलते हैं। जब आप किसी यात्रा के ऊपर हैं और आपकी जर्नी ऊपर जा रही, तो परमेश्वर आपसे वो चीजें बुआएगा जो वो आपको काटने के लिए देना चाहते हैं। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी है कि फलाना बंदा मेरा विरोध क्यों करते हैं, ठमकाना मेरा विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रीमर को मारने वाले, को मारने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर ही होते हैं हमेशा। जो नॉन ड्रीमर है उनके पास वक्त है बुराइयां करने का, जो ड्रीमर है वो जानता है वो ढलान पे, वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और उसने ऊपर की चढ़ाई चढ़ के वहां पहुंचना जहां परमेश्वर ने पहुंचने के लिए बुलाया। आमीन। तो आपको शिकायत नहीं करनी अपने रिश्तेदारों की, अपने लोगों की, अपने अपनों की, अपने परायों की कि मेरी मदद नहीं हुई। नो, जिसने परमेश्वर को, जिसने जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना, आपकी लाइफ में आएगा जो यात्री होगा, जो आप ही की तरह विजन रखने वाला, दर्शन रखने वाला लोग होगा, वो आपकी लाइफ में आएंगे। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आई से रिसीव योर डिवाइन हेल्पर्स, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आम इनोचे हालेलुया, हालेलुया। एक यात्री जा रहे पर यात्रा नीचे की ओर कर रहे, इसलिए अटैक हुआ, पर परमेश्वर मर्सीफुल है, उसने बचाया उसको। आमीन। अपनी लाइफ में ध्यान रखो, जिस यात्रा पे आप जा रहे हो कहीं नीचे वाली ढलान पे तो नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो बाद में रोने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि शैतान तभी अटैक करता है आपकी लाइफ पे जब वो आपको नीचे की ओर लेके जाता है। इसलिए शैतान अटैक करने से पहले किसी की लाइफ में उसको पाप की ओर लेके जाते हैं, या उसकी लाइफ में निराशा के दिन आते हैं, या ठंडे दिन आते हैं जहां उसको फैसला करना होता है कि इन ठंडे दिनों में मैं फास्टिंग ज्यादा करने का फैसला करता हूं, या मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आया तो मैं दारू पीने का फैसला करता हूं। तो आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका आपकी लाइफ है। प्रभु ने आपको चुनाव करने का हक दिया, आपको पवित्र आत्मा हाथ पकड़ के रोकने नहीं आएगा, लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि अटैक तभी होगा जब मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। अगर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं तो हर चीज आपकी भलाई के लिए, हर चीज आपकी भलाई पैदा करेगी। लोग अटैक करेंगे, वो अटैक का नुकसान उनको होगा और आप डबल फायदे में होंगे। आज अब इसीलिए कुछ लोग चर्च में और कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हो, क्योंकि आपने इस चर्च के विषय में बुरी बातें सुनी थी, लेकिन जैसे आपने बुरी बातें सुन के फॉलो करना शुरू किया, आपको हम अच्छे लगने लगे। हिंदी फिल्म बन सकती है इसमें। हाँ, मैंने कहा हिंदी फिल्म बन सकती है इसको, कि आपने सुनना कुछ और था लेकिन आप फॉलो करने लगे और आपने देखा ये तो है ही कुछ और है, जो मैंने सुना था वो गलत था। परमेश्वर हेल्प करता आपकी जब आप ऊंचाई के रास्ते पे जा रहे हैं, हर चीज आपकी भलाई के लिए। अगर आमीन, ऊंचाई ब्लेसिंग आपकी चर्च। आमीन। तो अगर आप ड्रीमर हैं, दर्शन रखने वाले हैं, तो डोंट वरी। जब लोग कतरा के चले जाएं आपको, जब सबसे अधिक जरूरत हो, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आप ड्रीमर हैं और नॉन ड्रीमर ये समझ नहीं सकता। जो यात्रा पे है, एक यात्री ने उसकी हेल्प की, दूसरा बंदा उसकी हेल्प नहीं कर पाया। हालेलुया। अय्यूब की यात्रा अगर आप देखो, उसे मालूम था। आप जानते जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग होते हैं, आप मजबूत होते जब, और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब भी ये ध्यान रखो आपका स्वभाव क्या है। हाँ, और अपने आप को चेक करते जाओ। आज आप बहुत स्ट्रांग हो फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तो भी किसी गरीब की छोटी सी पुकार को इग्नोर मत करो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी
परमेश्वर में रहो, क्योंकि जो आज आप बोएंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, कल को काटने वाले हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, इसलिए वाइज मैन, वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग अपनी लाइफ के टॉप मोमेंट पे भी, अपनी लाइफ के ब्लेसिंग से भरे हुए दिनों में भी अपने होशो हवास में रहते हैं। आमीन। अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के दिनों में भी वो गरीबों को भूलते नहीं, टाइम बदलते क्योंकि देर नहीं लगती, पर अगर आप हैंडल करोगे वेल, तो बाइबल कहती धर्मी का टाइम पूरी उम्र एक सा रहेगा, कि वो सिर्फ परफेक्ट होता जाएगा, सिर्फ ऊंचाई तक जाएगा, वो कभी नीचा नहीं होगा, वो फिर खड़ा होगा। आमीन। अगर ऊंचा ब्लेसिंग आपकी चर्च, और अगर एक व्यक्ति गिरे, तो अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो उसने लिखा, उसने तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। अगर आप दाखरस को देखें तो दाखरस यीशु मसीह के खून को दर्शाते हैं, यीशु मसीह के ब्लड को दर्शाता है। यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला लिया था और बोला था, ये मेरा लहू है। और अगर आप तेल को देखें तो पूरी बाइबल आपको बयान करती है 192 बार कि तेल का जिक्र हुआ, तेल का मतलब अभिषेक। अगर आप गिर चुके हैं और शैतान ने आप पे अटैक किया, तो बाइबल कहती है पहला लहू दाखरस, यानी अपने लाइफ में परमेश्वर का लहू अप्लाई करना, माफी मांगना परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे लहू के साथ धुलना चाहता हूं, शैतान के अटैक से उबरना चाहता हूं। लोगों को यह मालूम नहीं कि आपका किया हुआ व्यभिचार या देखी हुई ब्लू मूवी, उसका असर आपके बिजनेस पे हो सकता है, उनको पता नहीं। उसका असर आपके स्टाफ पे हो सकता है, वो नेगेटिव चीज कहीं से भी निकल सकती है आपकी लाइफ से, लोगों को मालूम नहीं, लेकिन वो प्रेयर लाइन में खड़े हैं, हमारा बिजनेस ऑन कब होगा। आप जब ढलान से निकल के ऊंचाई की चढ़ाई पे चलेंगे, सब कुछ ऑन हो जाएगा, डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे, आपको शैतान एक्सपोज होता नजर आएगा कहां पे काम कर रहा है वो, परमेश्वर वे खोलेंगे, रास्ते खोलेंगे, आपके सामने नए इवेंट्स, नई चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी और परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग देता जाएगा। जब आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि मैं गिरने लगा हूं, वो आपको उठा के खड़ा करेगा और अगली सुबह सबसे अच्छी सुबह होगी आपके लिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसने कहा दाखरस उस पर उंडेला और दाखरस और तेल उस पर ढालकर पट्टियां बांधी। दाखरस का मतलब है लहू। जब आप परमेश्वर, अगर आप अटैक से बाहर आना चाहते हो, लिखा उसे अधमरा छोड़कर उसके कपड़े ले गए थे। वो कपड़े धार्मिकता को दर्शाते हैं, कपड़े ऑनर को दर्शाते हैं। जब आप नीची जगह पे जाओगे तो शैतान उन कपड़ों पे, जो आपके वाइट कपड़े हैं पवित्रता के, उनको छीनना चाहता है, अटैक करना चाहता है। क्यों? ताकि आपको शर्मिंदा देख सके। और बाइबल कहती है जब उस पर अटैक हो गया, तो उस अटैक से बाहर आने का तरीका क्या है, लिखा दाखरस और तेल ढालकर उस पर पट्टियां बांधी गई जब तक वो हील नहीं हुआ। परमेश्वर के लहू को मांगो अगर आप बाहर आना चाहते हो, कि प्रभु मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं, आज से निचाई नहीं, सिर्फ चढ़ाई पे मेरे जाऊंगा, जाऊंगी। और तेल, अगर आप अभिषेक अपनी लाइफ में रखें, तो जो कुछ शैतान ने छीना वापिस आएगा और हीलिंग होगी आपकी। अगर तेल आपकी लाइफ में नहीं है तो हीलिंग होना पॉसिबल नहीं। लिखा दाखरस और तेल दोनों उसकी लाइफ में थे। बाइबल बयान करते कि परमेश्वर लहू से धोके उसके बाद तेल लगाता है कि व्यक्ति की लाइफ में। अगर बाइबल को स्टडी करें आप, उसका मतलब है लहू से धुलने के बाद, जब आप एक विश्वासी जीवन में एंट्री करते हैं, चाहे आपका नाम जॉन पीटर क्यों नहीं, आप बॉर्न क्रिश्चियन क्यों नहीं, आपको मालूम है आप विश्वासी हो या नहीं, जब तौबा करके आप एंट्री करते हो परमेश्वर के लहू से, उसके बाद परमेश्वर आपको तेल देते हैं, अभिषेक देते हैं। और वो अभिषेक चाहे एक बिजनेसमैन होने का हो, एक विश्वासी होने के नाते एक पास्टर का हो, एक प्रेरित का हो, एक प्रॉफिट का हो, जब आप उस अभिषेक की कदर करके बढ़ते जाते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में शैतान के अटैक होते हैं, आप हीलिंग देखते हैं उनमें। आप जानते हैं एक चीज को, आप अपनी लाइफ में कभी भी पास से, अपने बीते हुए से, अपने उस बीमार बिजनेस से या बॉडी से या कर्सिस से आप हीलिंग नहीं ले सकते, जब तक आपकी लाइफ में तेल एंटर नहीं करता, आपकी लाइफ में अभिषेक एंटर नहीं करता। पहले आप लहू से, उसके बाद तेल से,
लहू से अपने आप को साफ करते हैं और तेल से अपने आप को भरते हैं और जो कुछ शैतान ने छीने वापिस आते हैं। जो मांस उतर गया था वापिस आया, जो हड्डी टूट गई थी जुड़ी, जो जोड़ उखड़ गया था वापिस आया, सब कुछ वापिस आना शुरू हुआ जब ये दो चीजें लगानी शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। आप यात्रा पे हो, आपकी हेल्प करने वाले लोग भी वही होंगे जो किसी यात्रा पे होंगे। तो कंप्लेंट नहीं करनी, मेरी मासी ने मेरी हेल्प नहीं की, यूएसए जाके मेरे को वीजा नहीं भेजा। आमीन। क्योंकि आपकी हेल्प करने वाले लोग वही होंगे जो खुद भी किसी यात्रा पे होंगे, क्योंकि आप यात्री हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपका मकसद है। आप वैसे दुनिया में नहीं आए हो, वैसे नहीं जी रहे हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो, वायदों के बेटे और बेटियां हो। आप पे वायदा है परमेश्वर का आपको ऊंचा करने का, आप पे वायदा है परमेश्वर का, दुश्मन सदा शर्मिंदा रहेंगे आपसे, ये वायदा है प्रभु का, कोई तोड़ नहीं सकता इसे। आमीन। ये वायदा है, क्या है ये? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या है ये? ये वायदा है, आप वायदे के बच्चे हो, आप पे वायदा है परमेश्वर का, तो सिर होगा पूंछ नहीं। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का, आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आपको किसी मकसद के लिए चुना गया और बुलाया गया। मैं आपको फिर बताता हूं, दाऊद का अभिषेक नहीं होना था अगर उसका बड़ा भाई पाप में ना गिरता तो, क्योंकि जो चुना गया था राजा होने के लिए वो दाऊद का बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई दाऊद नहीं था, वो अयोग्य करार दिया गया। तो आगे वाला अयोग्य हुआ, आगे वाला हुआ, क्योंकि एक यहूदी, एक क्रिश्चियन को नहीं मालूम उसकी लाइफ में प्रभु की कितनी बड़ी योजना है। और ये ठंडापन, दुनिया के साथ ज्यादा लगाव, ज्यादा अन्य जाति दोस्त, ज्यादा संसारिक दोस्त, ये आपको धोखा देते हैं और परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने से आपको रोकते हैं। और जब आप रुक जाते हैं, आपको मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में रखा है आपको मालूम ही नहीं है, आप पाप में जाते हैं, आपसे गलतियां होती हैं और आप नहीं जानते कि क्या खोया आपने और आपकी जगह कौन निर्धारित कर दिया गया जो इस आशीष को लेगा। लाइफ सीरियस है। आमीन। है तो आनंदित, लेकिन आत्मिक जिंदगी सीरियस है, इसे सीरियस तरीके के साथ लेना, ताकि आपके लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जिससे आप कवर करने की कोशिश करते रहे बाद में। आमीन। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐसी हो कि लोग सुने और चुप करके देखें और देखें, हाँ वाकई है कुछ है जो हमारे पास नहीं है। ये ब्लेसिंग आपके रिश्तेदार देखने वाले हैं, आपके लोग देखने वाले हैं, आपका नगर देखने वाला, आपका देश देखने वाला, चर्च। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू एक यात्रा पे, बोलो सोच, तेरी यात्रा नीचे की ढलान की है या ऊपर की चढ़ाई की। आमीन। आपने सोचना है घर जाके या अभी कि मेरी प्रेयर लाइफ जो पहले थी अब है। ऐसे विश्वासी हैं हमारे बीच में जिनकी दो घंटे की भी प्रार्थना नहीं है और वो सोचते हैं कि प्रभु उनसे बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ब्लेस करेगा उनको, और सारी उम्र इसी पंजाबी बोलते प्ले खेजी काट देते हो। हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं जिस तरह एक माँ अपने बेटे से, बच्चे से, बेटी से करती, एक छोटे बेटी को खाना देती, डाइपर चेंज करती, उसका ध्यान रखती, पर अलमारी की चाबियां नहीं देती। आप बड़े इस बात में नहीं हो कि आपका टाइटल क्या है, आप प्रॉफिट हो के, पास्टर हो के, इवेंजलिस्ट हो, आप कितना प्रभु को जानते हो ये आपकी लाइफ से पता लगता है। आमीन। ना कि आपके टाइटल से। टाइटल तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी मिनिस्ट्री है क्या या हमारी कॉलिंग है क्या, यानी कोई नाम अच्छा लगा तो वो नाम चूज कर लिया। हाँ, प्रॉफिट अच्छा लगा तो अपने नाम में प्रॉफिट लगाते हैं नाम में। हाँ नहीं यार, प्रेरित लगाते हैं और बड़ा लगता है। हाँ नो, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो आपको ग्रेस दे बढ़ने की। मैं आपको अपने अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं। मैं उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आपको दुहाई देते हुए और उत्तर पाते हुए देख रहा हूं। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। तो क्या आपको ऊपर जाने के नीचे जाने हैं? क्योंकि उत्तम पदार्थ ऊपर है और अटैक नीचे है।
परमेश्वर ने कहा मैंने जीवन मौत दोनों तेरे सामने रखे, अब तूने चुनना है कि तूने टीवी बंद करना है टाइम पे, या तूने प्रार्थना करनी, या अपने शरीर की सुननी। बीता का टाइम वापस नहीं आता। आप क्या देते हो अपनी लाइफ को? कैसी स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी? कितना क्रेजी हो परमेश्वर की अनॉइंटिंग के लिए? आप आत्मिक जिंदगी किस तरह से लेते हो? आप कैसे पहनते हो और कैसे पकड़ते हो आए हुए मौकों को अपनी जिंदगी में? लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती, याद रखो हमेशा। देयर इज अनदर चांस, आई नो, एक और चांस है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता वो। लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। मैंने स्टोरीज सुनी है, रियल लोगों के पास बैठा हूं, बहुत लोगों से मिला हूं। एक लाइफ का डिसीजन पूरी लाइफ चेंज, एक डिसीजन, या अच्छा या बुरा, पूरी लाइफ, उसके बाद सब कुछ चेंज। आज भी वैसे ही, कोई आशीषित कोई नहीं आशीषित, क्यों? एक डिसीजन, क्योंकि लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। जो चांस है उसे पकड़ के रखो। अगर आज आप भवन में हो, प्रार्थना करने का मौका आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको दे रहे, हाँ फास्टिंग करने का मौका दे रहे, तो रखो और अपनी लाइफ को बनाओ, लड़ो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जीत के बाहर आओ और गवाही के साथ बाहर आओ। और मैं इम्पार्ट करता हूं ये मसा आपकी लाइफ में, अगर आप मेनू चे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ ज्यादा चांस नहीं देती, लाइफ ज्यादा चांस नहीं देती। आमीन। जो है उसे पकड़ के रखो। अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ फेथफुल रहेंगे? हाँ, क्या जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आप उसके साथ अगर वफादार नहीं हो, क्या आपको लगता है लोग आपके साथ वफादार होंगे? क्या आप किसी, पंजाबी में बोलना पड़ेगा, हिंदी में क्या वर्ड है मेरे को मालूम नहीं, क्या बोलते पलेखे को? हाँ, गलत फहमी, क्या आप किसी गलत फहमी में हो? केड़े पलेखे च तुरे फिरते हैं आप और दुनिया दे कोलो ब्लेसिंग चाहने हैं? हाँ, मेरी भूआ मैनू बुलान लग जाए, फलाना काम हो जाए। अगर तुम परमेश्वर के सगे हो, दुनिया प्यार करेगी आपसे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के जितने सगे हो, जो कुछ तुम बोगे वो कुछ तुम अपने बाप दादों की गवाही को सुनो, बाइबल कहती। अपने भविष्यद्वक्ताओं को देखो जो तुमसे पहले थे, उनके जीवन की जांच और पड़ताल करो। अगर याकूब बुद्धिमान होता तो अपने बाप की तरह शादी करता, आंखों के पीछे नहीं भागता, और 14 साल भेड़ बकरे को नहीं चराता, जबकि उसके अपनी लाखों भेड़ बकरियां थी, उन पे हजारों नौकर थे, पर वो खुद एक नौकर था। जब आप शरीर की सुनते हैं, आप वाह नहीं होते जहां आपको होना चाहिए। अगर अपने बाप की गवाही सुनता तो देखता कि उसके बाप को रिबिका, जो मेरी उसकी मदर मिली, वो कैसे मिली? पवित्र आत्मा के इंतजाम से। तो मुझे आंखों से क्या लेना देना? लेकिन नहीं, तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। लेकिन 14 साल उसने सेवा की। एक मालिक जब सेवा करता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को हैंडल नहीं किया, हैंडल विद केयर। हाँ, कुछ डिब्बों पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, आपकी लाइफ में भी लिख के रखो अपने सामने, हैंडल विद केयर। क्योंकि एक मालिक 14 साल नौकरी कर सकता है, अपने घर में लाखों करोड़ों भेड़ बकरियों का मालिक होने के बावजूद वही भेड़ बकरियों की नौकरी करनी पड़ी आंखों के कारण। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड ऊंचाओ। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। उठाओ अपने हाथों को, डिक्लेयर करता हूं मैं वर्ड्स को आपकी लाइफ के ऊपर। उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए और शर्मिंदगी आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करे। हर वो ताकत जो शैतानी आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम में डिसीजन राइट हो जाए। आपकी लाइफ के डिसीजन अच्छे हो जाए, राइट हो जाए, अगर आमीन ऊंचे हैं। मैं घोषित करता हूं हीलिंग को, चंगाई को, डिलीवरेंस को आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हर वो डिसीजन जो आपकी लाइफ को ऊपर ऊंचाई की ढलान में रखे, ऊंचाई की चढ़ाई पे रखे, हर वो डिसीजन आपकी लाइफ में आप लेने पाए पक्के तरीके के साथ।
आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स परमानेंट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो जाए, मैं उस मसे को रिलीज करता हूं आपका अगुआ होने के नाते, जो मसा आपकी अगुवाई करेगा आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में। आप बड़े अजीब और डेंजरस स्थिति के साथ आत्मिक देखने वाले व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनो, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेना चाहते हो, हमेशा इंस्ट्रक्शंस को पूरा करो। परमेश्वर कभी भी ग्रुप खड़ा नहीं करता, याद रखो, वो लीडर खड़ा करते हैं। उसने ग्रुप नहीं खड़ा किया, मूसा खड़ा किया। अब लोग ये नहीं बोलते, मूसा तुमने ये कहा नहीं, हमको आत्मा ने अगुवाई नहीं की। आत्मा दो जगह अगुवाई नहीं करेगा। अगर मूसा को कुछ बोला, लोगों को फॉलो करना था। आमीन। अगर प्रभु ने बोने के लिए बोला, फास्टिंग के लिए बोला, किसी काम करने के लिए बोला, आपको फॉलो करना है, हाँ या ना? अब लोगों को मालूम था कि पैसा पौलुस के पास नहीं जा रहा, मूसा के पास नहीं जा रहा, प्रभु के कामों में जा रहा है। उन्हें फॉलो करना था ब्लेसिंग लेने के लिए, हाँ या ना? मैंने एक बात अपनी लाइफ में देखी, कौन लोग धोखा खाते अपनी लाइफ में। आपका छोटा भाई अगर सीएम बन जाए तो उसको सीएम की तरह लेना, अगर आप अपनी लाइफ में बरकत देखना चाहते हो। जब प्रभु किसी को ऊंचा करे, उसकी पास्ट के हिसाब से कभी उसको जज मत करना, क्योंकि हर यूसुफ गड्ढे से निकल के आया होता है। सुनो, बहुत से लोग अपनी लाइफ में इसलिए कामयाब नहीं है। आज भी अगर आप अफ्रीका में चले जाओ या जहां आत्मिक चर्चे वहां चले जाओ, अगर छोटे भाई को प्रभु ने चुना तो बड़ा भाई भी वहां पे उसको फादर बोलते हैं, पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, उसको कभी नाम लेकर नहीं बुलाता वो कभी भी। अगर छोटी बहन को किसी ने चुना तो बड़ी बहन उसको कभी बहन नहीं बोलती, उसको मदर बोलती। जब लोग आपको पहचान नहीं पाते, वो बरकत कभी नहीं ले सकते, चाहे आपके साथ क्यों ना खड़े हो। जब प्रभु किसी को ऊंचा करे, उसका ऑनर करो। पदवियां यहोवा की ओर से हैं। कभी मत सोचो यार ये सीएम ले, मेरा छोटा भरा देख, मैं उन्हें ऑफिस जाता। आपको नहीं मालूम वो गुस्सा करता है इस चीज का, और टाइम आने पे वो आपका काम नहीं करेगा, और अंदर से आपके साथ वो खिजेगा। और जब आप उसका ऑनर करेंगे, आपका छोटा भाई बड़ा हो गया, तो आपका भाई कुछ कहे ना कहे, लेकिन आपके लिए दिल में इज्जत रखेगा। गेजी के गिरने का कारण यह था कि वो ग्रेस के साथ फेमिलियर हो गया। वो आपका स्पिरिचुअल फादर आपको 10 बार ऑफिस में बुलाए, कभी लाइट मत लो उसको, चाहे वो आपके साथ कंधे में हाथ डाल के घूमे, आपके साथ मजाक करे, आपके साथ कुछ भी करे, आपको अपने बच्चों जैसा रखे या अपने फ्रेंड जैसा समझे, उसे अपना फ्रेंड कभी मत समझो। ऐसे आत्मिक पास्टर्स हैं जो बड़ी पोजीशन पे हैं, और जब उनके सीनियर उनके बोलते हैं यू आर माय फ्रेंड, वो कभी उसको नहीं बोलते यू आर माय फ्रेंड। वो बोले तो बोले, वो नहीं बोलेंगे। छोटा बड़े से आशीष पाते। आप जानते हैं, जब बुद्धि की कमी होती, जब दिमाग घास सरने चला जाता है और हमें लगता है ये भी हमारे जैसे इंसान ही है, क्या हो गया सीएम बन गया, तो उस दिन आपके गिरने का और डिसग्रेस होने का टाइम आ जाता है। जब प्रभु ने किसी को ऊंचा किया, वो छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, आपको उसी तरह लेना है जिस तरह प्रभु ने उसको ओहदा दिया है। हालेलुया। रोज गेजी एलिशा के साथ रह के फेमिलियर हो गया उसके साथ, और उसकी इंस्ट्रक्शन तोड़ के पैसा मांगने चला गया। एलिशा ने कहा मैं पैसा लेता हूं किसी से, कहता नहीं, तू क्यों मांगने चला गया, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा आत्मा तेरे साथ था। डिसग्रेस मत करो अपनी पोजिशन को, और ऑनर करो जो प्रभु ने आपको दिया। हालेलुया। क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, परमेश्वर अंदर से देख रहे हैं। हालेलुया।
वो ग्रुप से बात नहीं करता, वो लीडर से बात करता है, ये उसकी मैनेजमेंट है। और जब हम फॉलो करते हैं एक विजन को, उस विजन को फॉलो करने में वो ब्लेसिंग्स आती हैं जो प्रभु ने आपके लिए सोची होती हैं। अगर मैं अपने फादर की इज्जत ना करूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं मेरे बच्चे वही करेंगे मेरे साथ, तो ये गलत होगा। इसलिए कई बार आप अपने फादर के साथ कुछ करने लगते हो और आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपके भी बच्चे आने वाले हैं या आ चुके हैं या बड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो जर्नी पे है वही जर्नी वाले की क्या करता है, जो जर्नी पे वही सोचते हैं, वही अपने वाइफ की इंसल्ट करने लगे या वाइफ अपने हस्बैंड की इंसल्ट करने लगे सोचेगी कि जो मैं बो रही हूं दुनिया में काटने वाली हूं। बंदा भी ये सोचे जो मैं बो रहा हूं लोग देंगे मेरे को, मुझे बोना है कि नहीं। आमीन। क्योंकि जर्नी पे रहने वाले लोग ध्यान रखते हैं, हैंडल विद केयर लाइफ। बहुत ज्यादा चांस नहीं है लाइफ के पास। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, टेंट के बाहर जाए हालेलुया। आमीन। लाइफ आपको ज्यादा चांस नहीं देती। आमीन। जो है उसे पकड़ के रखो, डिसग्रेस मत करो। और जब परमेश्वर आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से किसी को ऊंचा करे, उसकी ऊंचाई के हिसाब से उससे बात करो, क्योंकि उससे आप रिलैक्स रहेंगे। प्रभु आपको बुद्धि दे। क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं यही वर्ड्स है मेरे पास, क्योंकि जो है वो ज्यादा है, पर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। आमीन। फालतू के घमंड में मत रहो, सब एक बराबर नहीं, सब उसके बच्चे हैं पर सबकी पोजीशन प्रभु के सामने अलग अलग है। आप जानते हैं मूसा ने जब मूसा की खिलाफत की मरियम और हारून के द्वारा, तो उनको कोड़ी किया परमेश्वर ने मरियम को। मूसा ने गलती की या नहीं की बाद में देखा परमेश्वर ने, लेकिन तुम कौन हो जज करने वाले? हालेलुया। तो सोचो अगर गलती करने पर भी मूसा के किसी को सजा मिल सकती है जो राइट था, अगर किसी ने गलती ना की हो तो सोचो कितनी बड़ी सजा होगी लोगों के लिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, दूसरों के मसले में टांग नहीं अड़ाते हैं। हालेलुया। ये मुंह बड़ी जबरदस्त चीज है। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत, दोनों प्रभु ने रखे हैं। जो इसको काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। हालेलुया। एक सन एक पास्टर का रोजे रख रहा है एक काम के लिए, काम नहीं हो रहा था उसका, काम रोजे रख रहा है, फास्टिंग कर रहा है, प्रेयर कर रहे हैं, और इधर मैं स्पिरिचुअल फादर के पास गया और कहा मेरा ये काम है मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ठीक है तू रोजे रख। कहता रख लिए। कहता और रख, मैं भी रखता हूं। दो उसने रखे, चार उसने रखे, फिर आया हुआ नहीं हुआ, मैं भी रखता हूं, और चार रख, पांच रख। एक दिन वो उसका फादर बोलता है क्या दिक्कत है, ये काम क्यों नहीं हो रहा? और प्रभु से प्रार्थना करता है मुझ पर जाहिर कर, क्योंकि प्रभु हर काम ऐसे जाहिर नहीं करता। आप देखो शमौन कोड़ी के घर में परमेश्वर गया, शमौन कोड़ी कोड़ी का कोड़ी रह गया। क्योंकि आपको अनॉइंटिंग पे डिमांड रखनी है अगर आप अनॉइंटिंग काम कर देखना चाहते हो। आमीन। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कहे अच्छा तू लंगड़ा है ये ले यार, तू अंधा है अच्छा ये ले। अंधों को इग्नोर किया परमेश्वर ने और जा रहे हैं, अंधा साइड पे खड़ा किया। परमेश्वर को पता नहीं जिस रोड से मैं जा रहा हूं रोड पे अंधा बैठे क्या मालूम? नहीं मालूम है। यीशु मसीह ने इग्नोर किया क्योंकि यीशु मसीह आपके पास नहीं आएगा, आपको ढूंढना है उसको। आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अच्छा तू अंधा है, तू अंधा है, हाँ मैं अंधा हूं, आप कौन है? मैं यीशु मसीह में चंगा करता हूं, अच्छा मुझे कर दो देख लो। नो नो, ऐसा नहीं किया प्रभु। अगर अगर आज भी कोई जाएगा अपने वॉकर के साथ, अगर वो डिमांड नहीं करेगा कि मैं हीलिंग चाहता हूं, वॉकर से जा सकता वापस। तो आज हम टेस्टिमनी सुनी आपने किस तरह परमेश्वर ने आजाद किया लोगों को। हाँ अनॉइंटिंग में डिमांड करना पड़ता है। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या रखनी है आगे से? बुद्धि। जब प्रभु आपके लोगों को ऊंचा करे तो उसे कैसे लेना है? जिस जैसे उसको ऊंचा किया परमेश्वर ने। और जब उस फादर ने बुलाया दोबारा वापस, उसने कहा प्रभु ने मुझे एक बात बोली कि एक जगह लोग मेरी बुराई कर रहे थे और तू वहां पे मौजूद था। कहता हाँ मौजूद था। तू उनमें शामिल था? हाँ शामिल था, पर मैंने कोई बुराई नहीं की, पर तूने सुनी? हाँ, इसलिए तेरा काम रुका हुआ। उसने माफी मांगी प्रभु से। वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकती जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे आप जुड़ के क्यों नहीं खड़े अपने फादर के साथ।
और आप इंस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आपकी पीठ बताती है ना कि आपका मुंह बताता है। हालेलुया। और ध्यान रखो, पोजीशन कोई मायने नहीं करती, गिनती कोई मायने नहीं करती, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, लाइफ आपको वापिस देती जो आप बोते हैं। ध्यान रखो, हैंडल विद केयर। उठाओ अपने हाथों को, आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।